काजल अग्रवाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस है। आज उन्हें तेलुगु के साथ ही साथ तमिल और हिंदी फिल्मों में भी कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुकी है। तो दोस्तों आज मैं वन ऑफ द ट्रेनिंग एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के बॉक्स ऑफिस कार्सनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो काजल के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, क्यू हो गया ना, ये 2004 का रोमांटिक फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टू, लक्ष्मी कल्याणम, ये 2007 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें कल्याण राम और काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर थ्री, चंदा मामा, ये 2007 का तेलुगु फिल्म है और इसमें नवदीप काजल लीड रोल में है। इसमें रंगा राव अपनी बेटी महालक्ष्मी की शादी धुरा बाबू से फिक्स करते हैं, पर बाद में जब पता चलता है कि महालक्ष्मी किसी दूसरे लड़के से प्यार करते हैं तब कैसे टर्न आते हैं वही इसमें दिखाई गई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर फोर, पुरुदू, ये 2008 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें सुमंत काजल लीड रोल में है। इसमें अजय एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है पर बाद में वो कैसे जेल में चले जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर फाइव, पझानी, ये 2008 का एक्शन फिल्म है और इसमें भारत काजल लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर सिक्स, अतरिस्ता, ये 2008 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें नितिन काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर सेवन, बोमलतम, ये 2008 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें अर्जुन सरजा, नाना पाटेकर और काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर एट, मोधी विलायदू, ये 2009 का एक्शन फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर नाइन, मगधीरा, ये 2009 का फैंटेसी एक्शन फिल्म है और इसमें मेगा पावर स्टार राम चरण और काजल अग्रवाल लीड रोल में है और इसमें पुनर्जन्म से जुड़ा कर एक बाइक इंस्टॉलमेंट कैसे एक युद्ध के रूप में अपने पिछले जीवन को याद करते हैं और अपने प्यार के पीछा करते हैं वह इसमें दिखाई है और ये फिल्म रिकॉर्ड वाला सक्सेसफुल फिल्म रहा और जो फिल्म यंग जनरेशन के बीच में काफी पॉपुलर था और इसका बजट था सिर्फ 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन रहा 155 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर टेन, गणेश जस्ट गणेश, ये 2009 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 11, आर्या 2, ये 2009 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें स्टार स्टर अल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म 2004 आर्या का सेकंड इंस्टॉलमेंट है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 12, ओम शांति, ये 2010 का तेलुगु फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 13, डार्लिंग, ये 2010 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें रेबल स्टार प्रभास और काजल लीड रोल में है। इसमें प्रभाव कैसे गैंगस्टर के बेटी से अपनी होने वाली शादी को रोकने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखी गई है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 14, नन महान अल्लाह, ये 2010 का एक्शन फिल्म है और इसमें कार्थी काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें जीवा कैसे अपने बाप का मर्डर का रिवेंज लेते हैं वह इसमें दिखी गई है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 15, बृंदावनम, ये 2010 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें जूनियर एनटीआर काजल अग्रवाल और समंता लीड रोल में है। इसमें कियांग लड़का कृष्णा अपने गर्लफ्रेंड इंदु के कहने के मुताबिक उसके फ्रेंड भूमि के साथ प्यार का एक्टिंग करते हैं पर बाद में कैसे ये केस एक सीरियस इशू बन जाता है वह इसमें दिखाई है जहाँ पर इसका बजट था 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य 75 करोड़ और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 16, मिस्टर परफेक्ट, ये 2011 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें रेबल स्टार प्रभास, काजल अग्रवाल, तपसी पन्नूली ड्रोम में है। इसमें विकी प्रिया और मैगी के बीच में एक लव ट्रायंगल को दिखाई है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 17, वीरा, ये 2011 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें द मस्त महाराजा रवि तेजा, काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 18, सिंघम, ये 2011 का हिंदी एक्शन फिल्म है और इसमें अजय देवगन, काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम और एक डायरेक्ट पॉलिटिशियन जयकंत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है और इस फिल्म को अजय देवगन के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म माना जाता है। अजय पर इसका बजट था 45 करोड़, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था 150 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 19, धादा, ये 2011 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 20, बिजनेसमैन, ये 2012 का एक्शन फिल्म है और इसमें प्रिंस महेश बाबू और काजल अग्रवाल लीड रोल में है
इसमें एक यंग लड़का मुंबई आते हैं और लोकल गैंगस्टर और साथ ही साथ कैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं वही इसमें दिखाई है। और ये फिल्म 2012 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म रहा और जिसका बजट था 40 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 55 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 70 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 21 मत्तारम, ये 2012 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 22 तुपक्के, ये 2012 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलापति विजय काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक आर्मी ऑफिसर कैसे मुंबई सिटी में होने वाले बड़े बॉम्ब ब्लास्टिंग से रोकने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसमें विजय का काफी एक्शन एफ्टर नजर आई है और इसका बजट था 65 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 187 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 23 सारो चारू, ये 2012 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 24 नायक, ये 2013 का एक्शन फिल्म है और इसमें रामचरण काजल अग्रवाल लीड रोल में है और इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी और एक यंग लीडर सिद्धार्थ दोनों एक जैसे देखते हैं और बाद में दोनों ने कैसे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 25 स्पेशल 26, ये 2013 का हिंदी हिस्ट थ्रिलर फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार काजल अग्रवाल लीड रोल में है और इसका स्टोरी मुंबई का 1987 में ऑपेरा हाउस हिस्ट पर बेस्ड है और ये फिल्म उस वक्त का 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रहा जिसका बजट था 40 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 70 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 130 करोड़ और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 26 बादशाह, ये 2013 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें जूनियर इंटर काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक आईपीएस एस्पिरेंट कैसे एक फेयरलेस बादशाह बन जाते हैं वह इसमें दिखेगी है और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 27 ऑल इन ऑल अजहागू राजा, ये 2013 का रोमांटिक फिल्म है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 28 जिल्ला, ये 2014 का गैंगस्टर एक्शन फिल्म है और इसमें कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल विजय काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें शक्ति ने कैसे अपने बाप का मर्डर का रिवेंज लेने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसका बजट था 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 85 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 29 गोविंदेदु अंदरी वेदले, ये 2014 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें रामचरण काजल अग्रवाल लीड रोल में है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 30 टेम्पर, ये 2015 का एक्शन फिल्म है और इसमें जूनियर इंटीआर काजल लीड रोल में है। इसमें कॉर्प्ट पुलिस ऑफिसर डायब कैसे स्मगलिंग के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 31 मारी, ये 2015 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें धनुष काजल लीड रोल में है। इसमें मारी कैसे पुलिस करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। और इसके बाद सरदार गब्बर सिंह, महमूद सवम और दो लफ्जों की कहानी, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 35 कवालाई वेंदम, ये 2016 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें जीवा काजल अग्रवाल लीड रोल में है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 36 हाय दी नॉन 150, ये 2007 का एक्शन फिल्म है और इसमें मेगा स्टार चिरंजीवी काजल लीड रोल में है। इसमें दोनों लड़का एक ही जैसे दिखते हैं और दोनों ने कैसे किसानों का सुसाइड के बारे में पता लगाते हैं वह इसमें दिखाई है और इसका बजट था 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 165 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 37 नेने राजू नेने मंत्री, ये 2007 का पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें राणा दुर्गापति काजल लीड रोल में है और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 38 विवेकम, ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलाजीत कुमार विवेक ओबेरॉय काजल लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 39 मार्शल, ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें विजय काजल अग्रवाल समंता लीड रोल में है। इसमें एक इंडियन डॉक्टर यूरोप से वापस आते हैं और कैसे वो अपने बाप का मिस्टीरियस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 40 अभी, ये 2018 का साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इसमें काजल अग्रवाल नित्या मेनन रेजिना लीड रोल में है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 41 एमएलए, ये 2018 का एक्शन फिल्म है और इसमें कलन राम काजल लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। और इसके बाद 2018 का फिल्म कवाचम, 2019 का फिल्म सीता और 2019 का फिल्म राणा रंगम, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 45 कुमाली, ये 2019 का कॉमेडी फिल्म है
और इसमें जैम रवि, काजल अग्रवाल, समुक्ता लीडर में है। इसमें कोमा पेशेंट 16 साल की बात कैसे इम्प्रूव्ड दुनिया के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिख रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 46 पेरिस पेरिस, ये अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म 2014 हिंदी फिल्म क्वीन का तमिल रिमेक है और इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करने का प्लान है। नंबर 47 इंडियन 2, ये अपकमिंग तमिल विजनरी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें कमल हसन, काजल, राकुल प्रीत सिंह लीड रोल में है और इसमें कमल हसन को काफी चैलेंजिंग रोल में नजर आने वाले हैं। नंबर 48 मुंबई सागा, ये अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, काजल, सुनील शेट्टी लीड रोल में है और इसका स्टोरी मुंबई शहर से जुड़ा कर दिखाया जाएगा। नंबर 49 मूसा गल्लू, ये अपकमिंग टेक थ्रिलर फिल्म है और जिसमें विष्णु वंशु, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी लीड रोल में है और इस फिल्म पर वर्ल्ड का सबसे बड़े आईटी स्कैम को दिखाया जाएगा और इस फिल्म को तेलुगु के साथ ही साथ डब्ड करके हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज करने का प्लान है। नंबर 50 आचार्य, ये अपकमिंग सोशल ड्रामा फिल्म है और इसमें मेगा स्टार चिरंजीवी, काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें मिडिल एज का आदमी कैसे करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा काजल अग्रवाल की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सके बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मार्शल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।